पाकिस्तान का दौरा करने वाली न्यूजीलैंड टीम सीरीज का पहला मैच खेले बगैर ही सिक्योरिटी इशू बनाकर पाकिस्तान से वापस रवाना हो गए। वफाकी हुकूमत ने दौरे के खिलाफ साजिश करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि कुछ ताकतें अफगान इशू पर पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। दौरे की मनसूखी उसी है। अरकान पार्लियामेंट इस पर क्या राय रखते हैं, जानेंगे सरदार हमीद की इस खसूसी रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड की टीम के दौरा पाकिस्तान खत्म करके वापस जाने को हुकूमत ने अपनी साजिश करार देते हुए कहा है पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की गई है जो कि दुश्मन ताकतों की साजिश थी। आइए जानते हैं अराकीन पार्लियामेंट इस पर क्या राय रखते हैं। इसमें इंडिया शामिल है, इंडिया के अलावा कोई नहीं है। जिसके आपको पता है कि श्रीलंका का जिस तरह हुआ था उनकी टीम के ऊपर बाद जो हमले हुए तो उसका भी बाद में पता चला कि इंडिया मुलव्वस है। तो माशाल्लाह हमने सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर दी थी, वो अपनी मर्जी से गए हैं। और जैसे कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि हमारे तरफ से उनकी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे यहाँ टीमें भी आएंगी और मैच भी होंगे। आप भी समझते हैं कि जो साजिश हुई है पूरी दुनिया समझती है और अच्छे से मालूम है, तो ये उनका बयान जो है किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। क्रिकेट के ICC वालों को भी देखना चाहिए कि ऐसी हरकत उन्होंने क्यों की, जबकि कई दिन से प्रैक्टिस हो रही थी और आज जिस दिन फाइनल ये मैच होना था उस टाइम उन्होंने इसके सिक्योरिटी का मसला कर। मैं समझता हूँ कि ये कोई साजिश थी, इसमें ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, मैं समझता हूँ ये क्रिकेट के खिलाफ साजिश है। मतलब पाकिस्तान की नाकामी है, सफारती मेरे ख्याल में कोई काम नहीं हो रहा और इस वक्त जो है अफरा तफरी है और यही वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। हमारी खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई है और हमारा क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह नाकाम हो गया और ये सब यही समझ में आ रहा है कि जी ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया इन्होंने मिलके कोई पाकिस्तान की कोई बरतानिया के अगेंस्ट कहीं कोई डील की है। हुकूमती अराकीन पार्लियामेंट न्यूजीलैंड के दौरे के खात्मे को साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन का मौकफ है यह सफारती नाकामी का नतीजा है। सरदार हमीद, न्यूज़ 1, पार्लियामेंट हाउस।